अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू ऑल? होप यू आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। ठीक है, तो जल्दी से उर्दू का कायदा निकाल लें। आज फिर हमने कायदे की पढ़ाई करनी है, लेकिन कायदा खोलने से पहले हम इल्म इजाफे की दुआ पढ़ेंगे। जल्दी से इल्म इजाफे की दुआ पढ़ लीजिए मेरे साथ। रब्बी जिदनी इल्मा। ऐ मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा फरमाइए। आमीन। जल्दी से सफ़ा नंबर 9 खोल लीजिए। हमारा सफ़ा नंबर 9 है ये। ठीक है, तो तारीख यहाँ पर मेंशन करनी है और मौसम यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, ये तो हमें सबको पता है। टीचर ने आपको पिछली क्लास में जीम पढ़ाया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर जीम, और टीचर ने आपको बताया था कि जीम के पेट में एक नुक्ता होता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे चे। चे क्या पढ़ेंगे? चे। चे जो होता है बिल्कुल जीम की तरह होता है, क्योंकि जी जो चे है वो जीम का भाई है। ठीक है, जीम के तीन भाई हैं, और ठीक है जो चे है वो जीम का भाई है। ठीक है, लेकिन चे के पेट में तीन नुक्ते हैं। 1 2 3 थ्री नुक्ते हैं चे के पेट में। जीम के पेट में एक ही नुक्ता था, आप देखें, ये देखें। इसी तरह चे के पेट में तीन नुक्ते हैं, काउंट करें मेरे साथ, 1 2 3 चे चे। ठीक है, चे के पेट में तीन नुक्ते। अब आए सबक की रीडिंग कर लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं। चे से चूहा, चे से चाबी, चे से चूजा, चे से चूहा, चे से चाबी, चे से चूजा, चे से चाबी, चे से चूजा, चे से चूहा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं। दुरुस्त हर्फ के गिर्द दायरा लगाएं। ठीक है, ये बनी हुई है चिड़िया, ये बने हुए हैं टमाटर। हमने इनके पहले अल्फाज से शुरू के हर्फ में दायरा लगाना है। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, टमाटर से, क्योंकि हमने टमाटर पहले पढ़े हुए हैं। तो टमाटर, अब बताइए टमाटर किससे शुरू होता है? से टमाटर शुरू होता है? नहीं आता। क्यों? क्योंकि से की जो आवाज़ है स, स से आ रही है। ठीक है, से की आवाज़ निकलती है स, टे की आवाज़ निकलती है ट, ट टमाटर, ट टमाटर। तो हम टे पे दायरा लगाएंगे। अब आ जाते हैं इस पर, ये है चिड़िया। चिड़िया, चिड़िया किससे शुरू होता है? जीम से चिड़िया आता है? जीम से चिड़िया? नहीं, अगर हम जीम से चिड़िया पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा जिड़िया। जिड़िया नहीं, चिड़िया। चे चिड़िया, च चिड़िया, चिड़िया, चे से चिड़िया। तो हम चे पे दायरा लगाएंगे, चे के पेट में तीन नुक्ते। ठीक है, एक बार फिर रीडिंग कर लेते हैं। चे से चूहा, चे से चाबी, चे से चूजा। अब इसी तरह आपने भी रीडिंग करनी है, ठीक है, पढ़ाई करनी है और घर में सबको सुनानी है। ठीक है, अब टीचर आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और किताब बंद करने के बाद हम बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।